안녕하세요, 전 그리스예요. 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 업데이트를 할게요. 네, 업데이트가 됐어요. 읽어드릴게요. यूसुफ ने पोतीपर की अच्छी सेवा की। पोतीपर की पत्नी ने चाहा कि यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। यूसुफ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसके बारे में झूठ बोला। पोतीपर ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया।왕이 아니가 요셉을 살좀어 요셉에게 질투가 났어요. 그래서 어떤 깨린에서 요셉을 나쁘게 만들었어요. जेल में यूसुफ फिरौन के दो हाकिमों से मिला। इन दोनों ने स्वप्न देखे और परमेश्वर ने यूसुफ को उनके अर्थ दिखाए। यूसुफ की व्याख्या सच्ची हुई। पिलाने हार को आजादी मिली पर पकाने हार को फांसी दी गई।감옥에 갇혔는데 두 시종들이 있었어요. 한 시종은 포도주를 따라주는 시종이고, 한 시종은 밥. 그래서 꿈이 있었는데 그들의 꿈을 요셉이 풀어줬어요. 2 साल बाद फिरौन ने व्याकुल कर देने वाले दो स्वप्न देखे। पिलाने हार को जो यूसुफ ने उसके लिए किया था याद आया और फिरौन को बताया। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने स्वप्न बताए। 바로왕에게 어떤 아 바로왕이 아닌데 하여튼 그 왕에게 고민이 생겼 아니 꿈이 때문에 고민이 생겼어요. 그래서 그걸 포도를 둘이 따라주는 시종이 요셉이 잘 안다고 말했어요. 요셉이죠? परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्नों का अर्थ दिखाया। 7 साल तक भरपूर फसल होगी, यूसुफ ने कहा। इसलिए भोजन को जमा कर लें, क्योंकि इसके बाद 7 साल का अकाल होगा। 그래서 꿈 얘기를 이야기했어요. 그래서 요셉이 해결해 주었어요. परमेश्वर ने यूसुफ के स्वप्नों का अर्थ समझने में सहायता की, सही या गलत? S? फिरौन यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने यूसुफ को सारा भोजन एकत्र करने का जिम्मा सौंपा। फिरौन को छोड़ मिस्र में कोई भी यूसुफ से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था।
7년간 곡식이 많다가 7년간 풍년이 들 거라고 했어요. 그래서 왕은 그 말에 기뻐하고 요색을 총리로 세웠어요. 곡식을 그냥 지나가지. 그럼 저기다 곡식을 저장해두는 건가 봐요. 유수프 के भाई मिस्र में भोजन खरीदने के लिए गए। उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया, पर उसे पहचान नहीं पाए। जब उसने देखा कि वो बदल चुके थे, तब उसने उन्हें बताया कि वो कौन था।요셉 형들이 찾아왔어요. 곡식을 얻으러 찾아왔어요. 근데 형들이 달라붙은 모습을 보고 요셉은 형들에게 자기 모습을 밝혔어요. 유수프가 क्या जिम्मेदारी थी? 3번 곡식을 저장해 두라고 했겠죠? 아마도 그럴 것 같아요, 문제가. भाई भयभीत हो गए थे। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, यूसुफ ने कहा। परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए प्रयोग किया। हमारे पूरे परिवार को मिस्र में ले आओ। हमारे पास खाने के लिए भरपूर होगा। 그래서 요셉 형들은 깜짝 놀랐어요. 그래서 요셉은 형들에게 동생 베냐민과 가족들을 다 데려오라고 했어요. 그래서 이 집에서 함께 살자고 했어요. यूसुफ के भाइयों ने उसका बुरा करना चाहा, परंतु परमेश्वर ने इसमें से भलाई पैदा की, सही या गलत? हम 저번에 이어서 했던 건가 봐요, 이게. 네, 이번에 새로 하겠습니다. 다른 풍경은 없나 봐요. 그럼 곡식을 저장해두는 모습을 할게요. 곡식을 저장해는 그럼 이게 저장해둔 거라고 치죠. 그 다음에 여기 음식을 날리고 있는 사람.
보겠습니다. 우리가 모든 걸 다 지을 수 있는 만큼 지은 다음에 지웠어요. 이번에는 사람들이 찾아온 모습을 제가 그리겠습니다. 요셉은 보디바르였고 살짝 띄엄띄엄하게 글쎄 곡식을 놔두고 연수야 स्वप्न पूरा होता है। 네, 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드렸는데요. 재밌었나요? 그럼 또 다음번에 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그럼 안녕.